गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके बच्चों, आई अंडरस्टैंड आपके लोगों के कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या चलने वाले होंगे, तो उसके हिसाब से फिर कितना काम बच्चों कर पाए हो आप लोग? ओके हर्षल, वेरी गुड। ओके ओके तो बच्चों मुझे इसका बताओ, अब शीट सिक्स, इसमें कोई डाउट्स बच्चों? सर एक 18th क्वेश्चन में पूछना था कुछ किसमें? सर। 18th सर इसका जो पार्ट ए का आंसर है सर, ये वैसे तो हम पॉजिटिव में देंगे ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है हाउ सर। हाँ फास्ट इज द वाटर लेवल फॉलिंग डाउन, तो जी सर। सर इसे एक्चुअली पीछे वो उसमें दिया हुआ था समझ गए। नेगेटिव सर। ठीक है 31st क्वेश्चन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर क्यूब। ओके तो 19th में क्या करना है आपको? आपको क्या गिवन है बच्चों? डीवी बाय डीटी, यू आर गिवन दैट डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू -6 मीटर क्यूब पर मिनट। इसको इस वाले एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे और इससे आप डीवाई बाय डी टी निकाल लोगे। पूछा क्या है? वॉटर लेवल का रेट ऑफ चेंज, तो वो बन जाएगा डीवाई बाय डी टी। बच्चो देखो ये समझ आ रहा है? थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके तो बच्चों जैसा आप इस फिगर से देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों जो शैडो है, कैन यू रिलेट, अगर हम शैडो का डिस्टेंस ले लें एक्स इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज,
अगर मैं इस क्वांटिटी को वाई बोल दूं, ठीक है, क्या अच्छा है क्वेश्चन. कैसे रिलेट करोगे बच्चों के आप एक्स वाई 50 और 30, चार क्वांटिटीज हैं आपके पास. हाउ कैन यू रिलेट दीज टू क्वांटिटी दीज क्वांटिटीज. सिमिलर सिमिलैरिटी है ना, तो उससे बन गया 50 अपॉन x इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस 30. तो इसको रीअरेंज करके आप x निकाल लोगे. तो आपको निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द शैडो ऑफ द बॉल मूविंग. तो उसमें बच्चों dx बाई dt आएगा. अब जब आप dx बाई dt निकालोगे बच्चों, तो अमंग अदर क्वांटिटीज यहाँ पे एक क्वांटिटी आएगी dy बाई dt. dy बाई dt क्या है बच्चों, बताओ बच्चों व्हाट इज डी वाई बाई डी टी. 16 t² ft वो एस है, मतलब पॉल ने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस फॉल किया, आएगा उसी से बच्चों एस इक्वल टू 16 t² ठीक है. तो हमने वाई लिया हुआ है उल्टा, ये एस ये है बच्चों इस फिगर के हिसाब से. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई. इज वाई इक्वल टू 50 माइनस एस विच इज इक्वल टू 50 माइनस 16 t² बच्चों. देखो तो यहां से आपका dy बाय dt आ गया -32 t. टी को आपने पुट करना है हाफ, ये -16 आ गया, ये यहाँ पे पुट हो जाएगा डी वाई बाई डी टी एज -16. हाँ बच्चों बताओ ये बात समझ आई, ये स्टेप. बस इसको वहां पुट करोगे उससे आपका आंसर आ जाएगा. ट्वेंटी फोर्थ का ए पार्ट, कॉफी इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल फिल्टर इनटू अ सिलिंड्रिकल कॉफी पॉट एट द रेट ऑफ 10 इंचेस क्यूब पर मिनट. तो बच्चों ये 10 इंचेस क्यूब पर मिनट जो है ये क्या है, डीवी बाई डी टी है ना, जो कि माइनस में आ गया. अब आपको पूछा है हाउ फास्ट इज द लेवल इन द पॉट राइजिंग व्हेन द कोन इज 5 इंचेस डीप. ओके तो बच्चों आप समझो कि ये मैंने लिखा है कोन के लिए, यही सेम चीज सिलेंड्रिकल सिलेंडर के लिए डीवी बाई डी टी क्या बन गया बच्चों, +10 हो जाएगा. जो कि क्या बन गया, सिलेंडर का डीवी बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही है, इंटू डी एच बाई डी टी. तो आप पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी को बचो 10 से इक्वेट कर दोगे तो उससे आपका डी एच बाई डी टी निकल आएगा. क्या बात समझ आई बच्चों ए पार्ट के लिए. और बी पार्ट के लिए कोन के लिए आप डीवी बाई डी टी को क्या पुट करते, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
ना? अब बस यहाँ पे बच्चों बी पार्ट में गलती होने का ज्यादा चांस है, जब आप इसका डी बाई डी टी करोगे तो ये बन गया माइनस वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, जिसको आपने माइनस टेन से बच्चों इक्वेट करना है, नहीं सॉरी बच्चों यहाँ माइनस नहीं आएगा, मैंने ये गलत लगा दिया माइनस ना, इसलिए तो कोई मतलब नहीं था। तो अब यहाँ पे बच्चों आर क्या पुट होगा कोन का, इसमें सर आर भी वेरिएबल आएगा वैसे। हाँ यहाँ पे R जो है वो वेरिएबल है, आप ऐसे लिख ही नहीं सकते थे इसको, क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? यहाँ तो R फिक्स्ड ही नहीं है, तो हाउ कुड आई रिटन इट लाइक दिस कि मैं R को कॉन्स्टेंट मान लूं? ठीक है, यही गलती होने का चांस था। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोन है अगर इसमें किसी भी इंस्टेंट पे ये लेवल एच है, तो आप देख सकते हो कि जो डायमेंशंस गिवन है इसकी 6 और 6, तो भाई एंगल 45 है ना, तो ये आर और एच सेम है। सर वो सर आर नहीं है सर, वो डायमीटर है 6, तो डायमीटर है सॉरी, हाँ 3 मतलब ये 3 है और ये 6 है, तो मतलब जो आपका आर है बच्चों वो एच बाय 2 हो गया ना? चाहे इस तरह यू कर लो जैसे मैंने लिखा है, चाहे सिमिलैरिटी से निकाल लो, तो आपको आर और एच का रिलेशन समझ आ गया ना कि आर इज एच बाय 2। तो यहाँ पे आर को बच्चो एच बाय 2 पुट करके फिर डिफ्रेंशिएट करना, आ गया समझ बच्चों? सर पीछे इसका आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है, बट जैसे क्वेश्चन में फॉलिंग ही पूछे तो पॉजिटिव में ही आएगा ना आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका पॉजिटिव है। फर्स्ट का आंसर, दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। सर सर जो फर्स्ट पार्ट है 24th क्वेश्चन का ही सर, उसमें जो dh by dt है सिलेंडर के लिए वो डिपेंड करेगा कि कोन में हाइट क्या है वाटर की? ना उसका कोई लिंक नहीं था। ओके सर, हाँ बच्चों इसमें और कोई? सर 28th क्वेश्चन में बता दो कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव। बच्चों बताना 28th का आंसर मतलब ठीक दिया है, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सर। यस पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है सर, एक 25th का भी जिसको पूछ रहा है। तो हमें डी वाई बाय डी टी निकालना है और डी कम हो रहा है कंपेरेटिवली, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर, इसका भी पीछे नेगेटिव ही होगा।
हाँ बच्चों देखो आप सबका भी पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। यस सर। सर 1 से 30 सेकेंड क्वेश्चन करवा दो, उसमें आंसर नहीं मैच किया। ओके तो कार इज मूविंग एट 180 माइल्स पर आवर, हाउ फास्ट विल द कैमरा बी चेंजिंग व्हेन द राइट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके तो बच्चों अगर आप ऐसे एक्स बनाते हो तो व्हाट विल बी डी एक्स बाय डी टी। प्लस या माइनस? प्लस। माइनस कम हो रहा है ना एक्स। सर एक बार सर ये बता दो, टू माइनस एम पे एक्स कम हो रहा है ना आपका। देखो जैसे जैसे कार राइट को जाएगी। ओके सर। तो बस अब तो अब हमने क्या करना है, आपको थीटा निकालना है, डी थीटा बाय डी टी। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 132 डिफरेंशिएट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी टी क्या बन गया 1/132 इंटू डी एक्स बाय डी टी। ओके अब आपको कब पूछा है, व्हेन द कार इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, उस टाइम पे थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया है ना। तो उस टाइम पे डी थीटा बाय डी टी सीकेंट थीटा मतलब 1 ही हो गया, तो ये बन गया 1/132 इंटू -264, तो -2 आ गया। एंड बच्चों मुझे ख्याल नहीं हमारी ये बात हुई थी कि नहीं, इसकी ये यूनिट्स क्या बनेंगे इसके -2 के? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। यस सर आज इंटीग्रेशन शुरू करवाओगे? ये बच्चों हो गया सबको क्लियर? ये रिपीट कर दो कि राइट इन फ्रंट ऑफ यू को कैसे यूज किया। जब कार हमारी यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे तो एंगल थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा एंगल ना? अच्छा बच्चों एक चीज का अब यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है, ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया, जो इसका सेकंड पार्ट है हाफ सेकंड लेटर उसमें क्या फर्क पड़ेगा? सर डी थीटा बाय डी टी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ रहा बढ़ेगा उस पर। हाँ मतलब उसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं हम? तो देखो बच्चों जब कार राइट साइड पे आ जाएगी बच्चों यहाँ कहीं, तब जब आप ऐसे एक्स बनाओगे, मतलब सेकेंड पार्ट के लिए तो एक्स बढ़ रहा है ना बच्चों, समझ पा रहे हो? यस यस सर। ऐसे हो गया अब आपका थीटा। तो अब जब आप सेकेंड पार्ट करोगे तो dx by dt आपका तब प्लस में पुट होएगा, प्लस 264, तो तब आपका जो आंसर आएगा वो प्लस 2 रेडियन पर सेकंड आएगा, है ना? नहीं प्लस 2 नहीं सॉरी, वो सीकेंट थीटा भी आएगा, वो भी पुट करना है, मतलब जो भी पुट करके आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों अंडरस्टूड? ओके आगे
सर 34th है। तो 34th क्वेश्चन है, वो जो देखो क्या कहा है कि एक प्लेन है जो 3 meter हाइट पे ट्रैवल कर रहा है एट स्टेडी रेट ऑफ 120 miles per hour। पायलट सीज एन ऑनकमिंग कार, ये कार है जो इधर को आ रही है, एंड इट डिटरमिन्स दैट इंस्टेंट द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन टू कार, मतलब ये वाला डिस्टेंस ये 5 है और उसका आपको रेट ऑफ चेंज बता दिया, तो कार की स्पीड आपको बतानी है। तो भाई अगर आप यहां से एक्स ले लो, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है फ्रॉम द ट्राइंगल की 4 बन गई, ठीक है, और इसको एल बोल दो जिसकी वैल्यू 5 है स्लांट की। तो भाई अब आपको क्या निकालना है, dx by dt, क्या गिवन है, dl by dt इक्वल टू -160 और l बन क्या गया वो हाइपोटेन्यूस, तो बस उसको डिफरेंशिएट करो, इससे आंसर आ जाएगा। सर इसमें -200 आ रहा था। हाँ, dx by dt नेगेटिव आएगा ना इस केस में, क्योंकि x तो कम हो रहा है। सर आंसर पर 80 की हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब आंसर आएगा तो प्लस में, ये समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, इसमें एक जो गलती हुई होगी बच्चों, जब आप dl by dt निकालोगे, ठीक है, मेरे को सोच के बताओ कि प्लेन की जो स्पीड है वो कैसे यूज होगी बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी से 200 क्या चीज है सर? जो 200 वेलोसिटी आ रही है उस कार की, वो रिलेटिव उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ओके, मान लो मुझे रिलेटिव नहीं यूज करना, फिर कोई और तरीका, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा अभी रिलेटिव, तो हम कुछ मतलब मैथ से ही निकालते हैं। सोच सकते हो बच्चों? सर जो हमने 200 निकाली है वो dl by dt होगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, अगर हम उसकी ग्राउंड के हिसाब से। मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव नहीं यूज करना, हमें नहीं आता मान लो रिलेटिव अभी, मतलब रिलेटिव के साथ ही समझा दूंगा बाद में, बट पहले एक बार बिना रिलेटिव के अगर करना हो तो क्या तरीका होगा? सोचो बच्चों। देखो बच्चों, मान लो मैं एक ओरिजिन कहीं आ लेता हूँ, ये कार आ रही है, ये आपका प्लेन है ऐसे, ये डिस्टेंस हो गया आपका एल, ठीक है। तो अब मैं प्लेन का
एक्स कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ बच्चों, एक्स वन कार का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स टू और जिसको हमने एक्स बोला था वो हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। सबको फिगर समझ आ रहा? Yes, sir. अब डी एक्स वन बाय डी टी क्या है? वो बेसिकली वो रेट है जिससे प्लेन राइट को जा रहा है। तो डी एक्स वन बाई डी टी इज 160, ठीक है। डी एक्स टू बाई डी टी आपको निकालना है, राइट? तो डी एक्स वन बाई डी टी 120 नहीं है? हाँ, जो भी प्लेन, जो भी प्लेन की स्पीड है, हाँ 120, हाँ हाँ। तो डी एक्स वन बाई डी टी स्पीड ऑफ प्लेन 120, डी एक्स टू बाई डी टी हमें निकालना है, dl by dt हमें गिवन। तो अब हम कहेंगे x square plus, ये तो 3 थी हाइट, 3 square is equal to बच्चों l square, है ना? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या बना 2x dx by dt is equal to 2L DL by DT, एक 2 कट गया, X इस इंस्टेंट पे 4 था बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, तो 4 into DX by DT is equal to L कितना था 5 into DL by DT क्या था -160, minus 1। तो यहां से आपका dx by dt बच्चों आ गया -200, ठीक है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x, x1 एंड x2 बच्चों? x इज नथिंग बट x2 माइनस x1, isn't it? तो dx by dt is equal to, आपने बच्चों एक स्टेप देखा, मतलब मैंने x square plus 3 square equal to l square को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब मैंने उसका रूट लेके उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि मुझे तो फाइनली dx by dt निकालना था, वो तो निकल ही आएगा, है ना? तो अननेसेसरली मैं रूट लेके अपने कैलकुलेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता, isn't it बच्चों? ये समझ आया स्टेप? Yes. तो ये dx by dt क्या बन गया, देखो आप बच्चों, dx2 by dt minus dx1 by dt, तो -200 is equal to dx2 by dt जो हमें निकालना है minus dx1 by dt जो कि है 120, तो ये आपका -80 आ गया। क्या ये समझ आया बच्चों? Yes sir. Yes. सर एक सर जो 32nd क्वेश्चन में आपने हाफ सेकंड लेटर वाला बताया था, सर वो मतलब हाफ सेकंड लेटर हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है उसके बीच का? नहीं नहीं, हाफ सेकंड लेटर उस इंस्टेंट से जब वो आपके सामने थी, मतलब ये जो ब्लू वाली स्पॉट है उससे हाफ सेकंड बाद। ओके सर, फिर ठीक है। हाँ, इनिशियल से नहीं सर। हाँ जी सर, 34th का आंसर पॉजिटिव इसलिए आएगा बिकॉज़ वो अलोंग द हाईवे लिखा हुआ है। नहीं, क्योंकि उसमें तो स्पीड पूछा है बस। ओके सर, उन्होंने तो ये पूछा ही नहीं ना कि क्या कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है। यस सर। तो बच्चों ऑल्दो हमने अभी तक किया नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, बट अगर किसी ने रिलेटिव से किया है तो उसका तरीका क्या होता कि आप सोचते कि आप प्लेन को रेस्ट पे ले आओ, ठीक है, तो फिर जो आपने आंसर निकाला, जो dx by dt निकाला जो कि आपका -200 आया, वो है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू प्लेन,
जो कि होती है वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो इससे भी निकल आएगा. ठीक है, बट इट्स नॉट एक्सपेक्टेड राइट नाउ. आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व यूजिंग कैलकुलस. रिलेटिव का जब टाइम आएगा तब करेंगे उसको भी. Excuse me, sir. हाँ जी. फिर एक बार 38th भी समझा दो. सर 37 का सी पार्ट भी. ओके, ये फर्स्ट बेस टू सेकंड बेस की स्पीड दी हुई है. ठीक है जी. तो आप बच्चों मान लो यहां से एक वेरिएबल x शुरू करते हो, तो आपको dx by dt क्या दिया हुआ है बच्चों? -16 माइनस हो गया बच्चों, समझ आ रहा है? यस सर. एक्स कम हो रहा है. तो अब भाई आपको ये कहा है कि थीटा वन एंड थीटा टू का रेट ऑफ चेंज बताना है. कब? एज द प्लेयर टचेस द बेस, मतलब जब प्लेयर सेकंड बेस पे पहुंच गया. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि तब उस इंस्टेंट पे एक्स क्या हो गया? जीरो. तो मतलब आपने x इक्वल टू जीरो पे बताना है. तो करना क्या था, मतलब हाउ विल यू सॉल्व फॉर थीटा वन एंड थीटा टू? पहले थीटा वन को लेके आते हैं पिक्चर में. तो वी कैन सी कि टैन थीटा वन जो है वो क्या है, 90 बाय x डिफरेंशिएट सीकेंट स्क्वायर थीटा वन into d theta 1 by dt is equal to minus 90 by x square into dx by dt. तो भाई dx by dt हमें पता है, हमें x पता है. एंड बच्चों क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं, है ना? एक तो थीटा वन भी आ रहा है और एक एक्स भी आ रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं है इसको हम थर्ड वाले पार्ट में dx by dt 15 ही लेंगे क्या? 15, हाँ बिल्कुल. ये बच्चों 15 यूज होगा उस इंस्टेंट पे. तो हमें निकालना क्या था, d थीटा वन बाय dt. ओके, तो d थीटा वन बाय dt बच्चों जो है वो माइनस 90 इंटू ये x स्क्वायर आया और इधर से सीकेंट स्क्वायर थीटा भी आ गया, राइट? इनटू dx by dt तो है ही है. तो बच्चों व्हाट इज x सीकेंट थीटा? कुछ सेंस बनती है x सीकेंट थीटा की? सीधा सीधा नहीं बनेगी, तो हम इनडायरेक्टली तो पुट कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. क्योंकि सर वो मतलब जो प्लेयर से थर्ड बेस का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली सेकंड से थर्ड तक पहुंच जाएगा ना, मतलब थीटा, क्योंकि सर एक्स जीरो. नहीं नहीं देखो उस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझो एक बात को.
वैसे सोच सकते थे हम, क्या प्रॉब्लम है कि जब प्लेयर सेकंड बेस को टच करने लगेगा उस इंस्टेंट पे एक्स जीरो हो रहा होगा आपका और थीटा वन क्या हो रहा होगा, वो 90 की तरफ जा रहा होगा। यस ना, तो सीकेंट थीटा वन क्या बन रहा होगा, वो क्वांटिटी इन्फिनिटी बन रही होगी, मानते बच्चों? यस सर। तो अब आपके डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक्स भी है और सीकेंट थीटा भी है, कि एक क्वांटिटी तो जीरो की तरफ जा रही है और एक क्वांटिटी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो क्या आप इसको सीधा सॉल्व कर पाओगे बच्चों? No, कुछ नहीं कर सकते है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, कि ताकि ये चक्कर ही ना पड़े, हम सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इस ट्रायंगल से। बच्चों सीकेंट थीटा क्या बन जाएगा, क्या सीकेंट थीटा आपका ये बन जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। बोलो भाई सब, यस नो, ये बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये तो सिर्फ 90 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया ना। और आप सीधा भी देख सकते थे, x बाय कॉस थीटा ही बना ना, x सीकेंट थीटा का क्या मतलब है, x अपॉन कॉस थीटा। x अपॉन कॉस थीटा क्या चीज है, वो हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो अब ये क्या डल गया, माइनस 90 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। सर वो डिस्क अकॉर्डिंग तो मतलब जो पुराने वाली सोच थी सर वो भी मतलब करेक्ट थी? नहीं, यहां तो आपको पता चल गया ना, अब यहां तो आपका काम एक वेरिएबल में आ गया, पहले दो वेरिएबल थे, दो वेरिएबल से जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप्स बन रहा था जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ तो आप सीधा एक्स को जीरो पुट करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो ये माइनस वन बाय 90 इंटू डी एक्स बाई डी टी तो आपका माइनस 15 था ही, तो ये 1/6 आपका आंसर बन गया। क्या बात समझ आई बच्चों? यस सर। ओके, अब यहां से आप थीटा टू कैसे निकालोगे बच्चों, मतलब आपको डी थीटा टू बाय डी टी भी निकालना था, वो कैसे निकलेगा? ये सिंपल था, थीटा वन प्लस थीटा टू तो बच्चों हमेशा 90 है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डिफरेंशिएट, तो डी थीटा वन बाय डी टी प्लस डी थीटा टू बाय डी टी जीरो, तो डी थीटा टू बाय डी टी क्या बन गया, माइनस 1/6 रेडियन पर सेकंड। अंडरस्टूड? यस सर।
हाँ जी क्वेश्चन में जब कार टच इज द बेस तो वो मतलब कौन सी बेस की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट बेस और थर्ड बेस की? सेकंड बेस की, क्योंकि हमें ये दिया ना क्वेश्चन में कि वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं। ओके राइट बच्चों डन। ओके चलो बच्चों मैं अभी आगे नहीं डिस्कस कर रहा, ये एक बार जब आप सब कंप्लीट कर लोगे मैं तब करूंगा डिस्कस। हाँ जी फिर क्वेश्चन 38 भी करना था। तो आपको कहा दो शिप्स हैं, एक शिप का इसको एक्स बोल दो इसको वाई बोल दो, तो आपको डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी दोनों दिए हुए हैं। हाउ फास्ट आर द शिप्स मूविंग अपार्ट, मतलब आपको ये जो उनके बीच में सेपरेशन है बच्चों एल, डी एल बाई डी टी निकालना है। अब हाउ विल यू रिलेट एल विद एक्स एंड वाई, आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से या कोसाइन रूल भी ऑफ कोर्स लगा सकते हो, उससे एल निकाल लोगे फिर उससे डी एल बाय डी टी निकल आएगा। ठीक यस सर। सर वैसे सर एक चीज कहनी थी सर, जो दूसरी वाली असाइनमेंट भेजी थी ना आपने सर, उसके कई आंसर्स थे नहीं, मतलब उसमें शायद सिर्फ ऑड या सिर्फ इवन थे ना आंसर्स? Yes, sir, ऐसे आंसर्स नहीं दिए हुए थे। तो आप बच्चों क्या करोगे, हाँ ऑड थे तो जिन लोगों ने वो कर ली है ना असाइनमेंट बच्चों, आपने मेरे को भेजने हैं उसके आंसर्स, ठीक है, तो मैं फिर आपको तब वो चेक करके बाकी भी भेज दूंगा आंसर की। हाँ इस संडे बच्चों टेस्ट है जो मैंने आपको मैसेज किया था, सब कर रहे हो ना तैयारी उसकी? बहुत अच्छा टेस्ट है वो। ओके बच्चों एक ये कुछ नहीं बताऊंगा बच्चों मैं कि कितने क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स का होगा, एवरीथिंग इज सरप्राइज, ठीक है। सर ऑफलाइन है कि मतलब ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन होगा, ऐप पे देना है आपको। सबको पता है ना बच्चों ऐप पे कैसे देते हैं, दिया ही होगा अपने सबने कोई ना कोई डेस्ट। यस ठीक है, तो बच्चों अपना कैलकुलस वाला पार्ट हो गया है, बस एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, मान लो आपको ऐसे गिवन हो t इज इक्वल टू एक बार ट्राई करना बच्चों कैसे निकालोगे। ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं,
गुड गोपाल सारा आकृति गुड हर्षल हर्षल ध्यान से देखो कुछ गलत या तो सॉल्व किया या टाइप किया हाँ अर्णव राधिका गुड में ठीक है हर्षल ठीक है कुशल अर्पित ठीक है वेरी गुड ठीक है जी आई थिंक सबको पता है तो बच्चों क्या करना होता है देखो बच्चों डिफ्रेंसिएशन का ना कोई भी क्वेश्चन हो एक बात माइंड में रखो कि ना उस पे सिंप्लीफिकेशन पे कभी टाइम वेस्ट नहीं करना जो गिवन है बस उसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो ठीक है बिना सोचे जो भी गिवन है उसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर देना आपने जैसे अब इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे आप भाई डीएक्स बाई डी टी पूछा है तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या बन गया ये तो कॉन्स्टेंट ही है एक्स स्क्वायर का क्या बना टू एक्स अब चेन रूल लगा के डी एक्स बाई डी टी बच्चों ये स्टेप समझ आया सबको मैंने कैसे लिखा yes. ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिमिलरली बी इनटू डी एक्स बाई डी टी तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो वन हो गई तो इधर से डी एक्स बाई डी टी जो है वो बन गया वन अपॉन टू एक्स प्लस राइट मतलब व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि कई बार ना हमारे माइंड में ऐसे आता है कि भाई अगर हमें एक्स गिवन होगा किसी ना किसी फॉर्म में हम तभी डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं तो नहीं ठीक है आपको जो भी गिवन हो आप सीधा उसको डिफ्रेंशिएट करो अपने आप टर्म्स रीअरेंज करके आपका फाइनली डी एक्स बाई डी टी तो निकल ही आएगा हाँ ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में दूसरी अप्रोच बच्चों ये बनती थी कि आप सोचो कि पहले डी टी बाई डी एक्स निकाल लो है ना जो कि टू एक्स प्लस बी आ गई और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो बिल्कुल वो भी ठीक है बट आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस में कि आप ये बाद वाली अप्रोच नहीं लगा पाओगे आपको फर्स्ट वाली अप्रोच से ही सॉल्व करना पड़ेगा और वो फर्स्ट अप्रोच है क्या कि बस जो गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो मतलब आप इस वाले स्टेप को लेके बच्चों बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए ये जो चेन रूल वाला स्टेप है ठीक है बच्चों क्या बात समझ आ गई बच्चों यस सर मतलब डिफ्रेंसिएशन करते हुए ना कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हो सकता था कि हमारे माइंड में आता कि भाई x की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं फिर x आएगा और फिर उससे dx by dt निकाला तो एब्सोल्युटली कोई सेंस नहीं है वैसा कुछ लंबा करने की है ना हमेशा याद रखो बस जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट आपका आंसर बन जाएगा ओके तो बच्चों अब हम आगे शुरू करते हैं इंटीग्रेशन से ओके Just one second, we are starting with it.
हाँ जी बताओ। ओके तो बच्चों इंटीग्रेशन को समझने के लिए एक बार हम क्विकली रीकैप लेते हैं डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। जब हम कहते हैं डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, राइट, उसका क्या मतलब होता है? या तो उसका मतलब है स्लोप ऑफ कर्व, या फिर उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं ना। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, राइट, या इसको बोलने में हम कैसे बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स अस टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हम बच्चों कर रहे हैं ये कैसे पता चलता है? मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, ये कैसे पता चला हमें? जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में था है ना, जो dx था, तो अगर डिनोमिनेटर में dx था तो इसका मतलब था कि x के रिस्पेक्ट में। अभी जैसे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे इसे जस्ट पिछला ही, उसमें डिनोमिनेटर में dt था, तो वहां पे हम हमें पता था कि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है बच्चों, isn't it? तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है वो तो चलो हमने पढ़ी लिया, बट फाइनली डिफरेंशिएशन कोई भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस था जिसने एक्स स्क्वायर का बच्चों टू एक्स बना दिया, राइट। ये बच्चों यहां तक नोट कर लिया आप सबने? ओके तो अब बच्चों हम एक नया प्रोसेस बनाएंगे जिसका आप नाम ऑब्वियसली समझ गए हो कि इंटीग्रेशन है। ये प्रोसेस क्या करेगा? ये डिफरेंशिएशन का उल्टा करेगा, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस था जिसने एक्स स्क्वायर का टू एक्स बना दिया। अब इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जो टू एक्स का एक्स स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब वो उससे फायदा क्या हुआ और हम क्यों कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आगे समझेंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने कि 2x का x स्क्वायर बना दिया, वापस वही कर दिया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि भाई 10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो 5 बना। इसको उल्टा आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये नोट कर लो एक लाइन। ओके तो अब बच्चों देखो कि हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते थे, एज डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो अब इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो एक बार फिर से हम ये बात समझ लें और लिख लें कि हम करने क्या लगे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करके टू एक्स बना था, एंड अब हम जो भी करेंगे अब वो टू एक्स को दोबारा एक्स स्क्वायर बना देंगे हम। तो वी विल से कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर, राइट।
ये सब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कह रहे हैं ना? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और अभी हम जब लिखेंगे उसमें हम क्लियर कर भी देंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो देखो बच्चों अब इसको लिखते कैसे हैं. अच्छा, सिमिलरली बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x क्यूब. कैसे पता चला आपको बच्चों कि 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x क्यूब होएगी? सिर्फ क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. हाँ, हमें उल्टा पता है ना कि भाई x क्यूब को डिफरेंशिएट करके 3x स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब अब इंटीग्रेशन उसका उल्टा ही प्रोसेस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई उसकी इंटीग्रेशन x क्यूब होगी. राइट, तो राइट नाउ हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था, हम सिर्फ इस बेसिस पे बता रहे हैं कि भाई हाँ जी डिफरेंशिएट करके ऐसा हो रहा था कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है. ओके, अब बच्चों हम सीखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं. राइट, तो व्हाट वी डू इज बच्चों एक बार के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वी नो कि डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. राइट, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये डी एक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो वी गेट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dx क्यूब. एक बार यहां तक लिख लो. ओके, तो अब देखो बच्चों हाउ विल वी राइट दिस फर्दर. अब हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में कहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नाउ वी विल से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो इसके अंदर देखो बच्चों हम क्या करते हैं, अब जो इंटीग्रेशन का बच्चों सिंबल है, ये बच्चों ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन वाले सर्कल के अंदर है, या जो राइट साइड में ऑरेंज वाले सिंबल के अंदर है, ये मतलब ये जो आप कह लो कि एस को हमने लंबा कर दिया, खींच दिया ऐसे, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का. मैं बच्चों अभी बाकी सर्कल्स का क्या मीनिंग है अभी आपको समझाऊंगा. ठीक है, एक बार बस ये नोट करो. अभी मतलब हमने किया क्या है, बस ऊपर वाले स्टेप से स्टेप में कि हमने बस वो इंटीग्रल का साइन लगा दिया. तो अब बच्चों क्या होता है,
लुक केयरफुली एट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन का और जो डी है बच्चों, इंटीग्रेशन और डी इकट्ठे आ रहे हैं, ये सबको दिख रहा है ना? अब बच्चों दीज आर टू ऑपोजिट प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंसिएशन. ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट उसको हम सिंबॉलिकली बोल देते हैं कि वो वन है. ठीक है, क्योंकि वे एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो इससे अपने आप बच्चों यही चीज बन गई जो हमने ऊपर कही थी. अगर राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट वन हो जाएगा तो सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा ना राइट हैंड साइड पे बच्चों, ये समझ रहे हो? बोलो भाई. ओके, तो अब इसको देखो बच्चों कैसे बोलते हैं हम. जो ग्रीन बबल के अंदर है वो जो सिंबल है वो तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, उसका नाम है इंटीग्रेशन. जो बच्चों उसके साथ में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो मतलब फॉर इसके इसमें 3x² है बेसिकली, ये क्या है, ये इंटीग्रल के साइन और डी के बीच में लिखा हुआ है. ठीक है, और एक डी के राइट साइड पे एक्स लगा हुआ है जिसको हमने रेड कलर से शो किया. ठीक है, तो इसको हम देखो अब ऐसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कहां से आया आप बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल मैंने कलर्स वैसे ही लिखे हैं. ये कहां से आया, उस ग्रीन वाले बबल से, वो सिंबल जो है जो बीच में था वो है 3x², वो नीचे आ गया. विद रिस्पेक्ट टू कहां से आया, जो डी के राइट साइड पे. तो ये नोटेशन सबको समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो मैंने लिखा बिल्कुल वही चीज है बच्चों, आप समझो जो ऊपर मैंने मतलब बोला था, यहां से हमने स्टार्ट किया था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x³ ना. बस अब मैंने उस चीज को एक मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया. तो जस्ट लाइक हम डिफरेंसिएशन को, फॉर एग्जांपल x² की डिफरेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, dx² / dx. तो ऐसे ही इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, सिंबल लगा के, फिर जिसकी भी इंटीग्रेशन है, फिर डी लिख के जिसके रिस्पेक्ट में. ठीक है, अब बच्चों एक बहुत ध्यान रखना है, जब आप ऐसे लिखते हो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते थे. मतलब ये जो था कि इंटीग्रल 3x² dx को यू कैन नॉट राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ dx इनटू 3x², मतलब आप सोचो कि ये तो सारा कुछ प्रोडक्ट है तो इसको इस तरह लिख दो. मतलब इंटीग्रेशन करते हुए ये ध्यान रखना है कि बच्चों जो dx वाली टर्म है वो हमेशा एंड में ही आनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज उसकी कोई सेंस नहीं बनती. एक्सक्यूज मी सर. सर जहाँ पे हमने x क्यूब लिखे वहां पर हम अपने एक्सप्रेशन का आंसर लिखेंगे हमेशा? हाँ, मतलब राइट हैंड साइड पे तो आंसर आ जाएगा ना. तो मतलब राइट हैंड साइड पे अभी सिर्फ मैंने समझाने के लिए वो लिखा है कि सिंबल और डी,
बट हम वो तो हमें पता है कि वन ही है, तो हम राइट हैंड साइड पे तो सीधा आंसर ही लिखते हैं. तो वंस अगेन बच्चों, टू रीइटरेट, हम डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कैसे लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. और सिमिलरली अगर मुझे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कैसे लिखूंगा मैं, इंटीग्रल वाई डी एक्स, मतलब सिंबल वाई और फिर डी एक्स. ओके बच्चों, सब एक बार यस नो करके मुझे बता दो समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक. यस सर. यस सर. ना बेसिकली वी हैव जस्ट डन टू थिंग्स बच्चों राइट नाउ. हमने कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, और हमने उसको लिखने का सिंबल समझ लिया कि क्या, ठीक है. अभी हमें ये बिल्कुल ही नहीं पता कि ये करते क्यों है हम, राइट. तो अब बच्चों, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि जिससे हम निकाल पाते हैं. तो देखते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं बच्चों. तो बच्चों सबसे पहला सिंपल रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. तो ये तो सिंपली यहीं से आ जाता है कि वही कि मतलब साथ में बीच में मान लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंटीग्रल और d साइन इकट्ठे आ गए तो वो तो कट के वन ही बन गया, ठीक है. एंड अगेन उसको चेक करने का क्या तरीका हुआ कि अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपका वन बनता है, राइट. ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट बन जाता है इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन.
यहाँ पे बस n इक्वल टू माइनस वन नहीं हो सकता। अगेन बच्चों इसको चेक करने का तरीका क्या होगा कि ये ठीक है कि गलत है जो मैंने लिखा है? उससे पता चल जाएगा कि ये ठीक है या गलत है। तो बच्चों यहाँ पे जो n की पावर माइनस वन वाला था वो एक अलग केस बन जाता है, उसको हम सेपरेटली कर लेते हैं। वो बेसिकली बन क्या गया, 1 बाय x बन गया। तो 1 बाय x की इंटीग्रेशन बन जाती है ln x। अगेन इसका भी उल्टा हमें पता है कि ln x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 बाय x बन जाएगा, राइट? नेक्स्ट बच्चों अगले दो लिखते हैं कि साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का है साइन एक्स। यहां बच्चों बहुत ध्यान रखना है, यहां साइन की गलती हो जाती है, ठीक है? याद करो कि साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होती है और कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होती है ना? तो इसलिए यहां पर भी उल्टा हो जाएगा ना। एंड बच्चों इसी के राइट हैंड साइड पे इसके स्पेशल केस लिखा हुआ है, वो भी आप नोट कर सकते हो कि अगर साइन एक्स की जगह साइन के एक्स हो तो आपका आंसर बन जाता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के, एंड सिमिलर फॉर कॉस के एक्स। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता जाता है। हाँ जी बच्चों यहाँ तक आ गया समझ? यस सर। ऐसे अगला लिख लो e वाला, e की पावर एक्स भी और e की पावर के एक्स भी।
नहीं नहीं टेस्ट में इंटीग्रेशन नहीं आएगी बच्चों, टेस्ट में तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगी। टेस्ट के लिए बच्चों यही जो शीट्स हैं इन्हीं को करो अच्छे से, है ना, मतलब जो मैंने आपको दी है नोट्स एंड शीट्स को अच्छे से करना है, वो हो जाएगा आपका सारा, और कुछ नहीं चाहिए। ओके नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर दो तीन क्वांटिटीज का कोई सम डिफरेंस हो तो हम कैसे करते हैं, उनको अलग अलग करके निकाल देते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपका ऐसे कुछ बाय वन प्लस बाय टू माइनस बाय थ्री है तो आप एक तरह से ब्रैकेट खोल सकते हो, मतलब सबको अलग अलग कर सकते हो। और ऐसे लिख सकते हो, ये समझ आया बच्चों सेवेंथ रूल, जैसे हम डिफरेंशिएशन में नहीं करते कि भाई हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करते रहते हैं, सेम इंटीग्रेशन के लिए भी हो गया। और अगला बन जाता है बच्चों, जैसे कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको बस बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन के, वही सेम चीज इंटीग्रेशन में भी है कि c इंटू वाई है अगर तो c आपका इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा एज इट इज, तो वो c इंटू इंटीग्रल y dx बन जाएगा। रिटर्न बच्चों यस सर, ओके तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों ट्राई इसके। ये करो सवाल बच्चों, बताओ क्या बनेगा। अच्छा बच्चों एक बार ना मुझे सब चैट में लिख के बताओ, जो जो भी आपको फिलहाल आपके स्कूल्स का मतलब प्री बोर्ड का शेड्यूल पता है, सर 26 से चालू है हमारे संगरूर में।
अच्छा गोपाल आपने जो लिखा है वो क्या है? 3rd मार्च से स्टार्ट। अच्छा ओके ये तो बच्चों बहुत गड़बड़ है। एक्चुअली हम तो ये सोच रहे थे कि 1st मार्च से आपका 11th स्टार्ट कर दें, बट आप सबके तो उस टाइम पे प्री बोर्ड्स ही हैं। सारा आपके 21st को खत्म हो रहे हैं है ना? आपके जल्दी हो गए इट सीम्स। आपका कौन सा स्कूल है सारा? सर लेडी फातिमा। ओके वो तो फिर एक और रख देंगे। यस लेडी फातिमा वो तो मार्च में कर दे फिर से, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं आपको। चलो ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, वो प्लान कर लेंगे। आ जाओ वापस ये करो। आर्यन फिर सिली मिस्टेक। आकृति ठीक है वेरी गुड। मुझे लिखना भी थोड़ा मुश्किल है वैसे है ना। कुशल ठीक है। गुण में ठीक है। अर्नब ठीक है वेरी गुड। कुशल सिंगला राधिका ठीक है। राधिका एक कुछ गलती है। ठीक है ये बच्चों चेक करो आंसर ये बनेगा। हाँ बच्चों हो गया है सबको समझ आ गया?
आर्यन अभी ना वो करके प्लान बताएंगे, मतलब ये प्री बोर्ड्स के हिसाब से देख के बताएंगे कि क्या होगा कैसे होगा। तो बच्चों आप एक बात ये समझ रहे हो कि जैसे डिफरेंशिएशन के जब आपने एक बार रूल्स कर लिए थे, फिर तो आप किसी भी तरीके का, मैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल कुछ लिख के दे दूं, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, है ना। इंटीग्रेशन में तो आप सिर्फ वही केसेस को कर सकते हो जहां पे मतलब आपको मतलब पता है कि हाँ किसको डिफरेंशिएट करके वो बना था। मतलब जस्ट अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं ये वाला केस दे दूं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²+4, बताओ बच्चों। आप इसका कोई निकाल सकते हो, कोई भी जो हमने रूल किए हैं इसके अंदर फॉल करता है जिससे कि आप ये निकाल पाओ। नो सर, है ना। ना तो देखो हमने डिफरेंशिएशन में कोई इंटीग्रेशन में ना तो हमने कोई प्रोडक्ट रूल की है, ना हमने कोई डिवीजन रूल की है, ना हमने कोई चेन रूल की है ना। तो ये तीन रूल्स ना करने के कारण हमारे को बहुत कंस्ट्रेंट्स आ गए, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम बहुत स्पेसिफिक केसेस में ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कुछ केसेस आगे सीखोगे, ट्वेल्थ की मैथ्स में जाके सीखोगे कि आप उनको कर पाओगे किसी ना किसी तरीके से, बट बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं कर पाते, ठीक है। ऑब्वियसली आपसे जो पूछा जाएगा वो तो हो ही सकता होगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक हम हर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर नाउ। नहीं वो लिख ही नहीं सकते आर्यन जो आप कह रहे हो, वो तो हम तब लिख पाते ना अगर कुछ चेन रूल जैसा होता। तो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपको काम भेजूंगा इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो पिछला काम है वो तो करते ही जाओ, संडे आपका टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है आपको, और आगे की बच्चों क्या प्लानिंग बनती है वो आपको बताएंगे, ठीक है, फिर मैसेज पे कि कैसे है क्या है, ओके। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू, बाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर।